शुक्रवार की मध्यरात्रि से लगातार 7 दिनों तक टॉरिड्स उल्का वर्षा का अद्भुत नजारा आसमान में देखने मिलेगा। पूरी दुनिया में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक हर घंटे 50-100 या उससे ज्यादा उल्का धरती की ओर गिरती हुई नजर आएगी, जिसके चलते आसमान में आतिशबाजी जैसा नजारा देखा जा सकेगा। वडोदरा समेत राज्य के सभी शहरों से ये नजारा आप अपने घरों की छतों से देख पाएंगे। ये एक अवकाशीय घटना है जिससे डरने की या उस पर फैली अफवाहों से डरने की जरूरत नहीं है। ये उल्का पृथ्वी पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस मामले वडोदरा के प्रसिद्ध खगोलविद दिव्य दर्शन पुरोहित ने विस्तृत जानकारी दी। खगोल में यानी आसमान में पूरे साल दरमियान कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे कल जुपिटर और मून, गुरु ग्रह और चंद्रमा की युति हुई थी, और उसी तरह से आज से टॉरिड्स नाम की यानी वृषभ की उल्का शुरू हुई, जो वृषभ राशि की आँख का एक तारा है उसके पास में से निकलती दिखाई देगी। उसके अलावा 15 दिन से ओरेनिट्स यानी कि मृक्ष राशि की उल्का वर्षा चल रही है, और 6 नवंबर से एक बहुत बड़ी साल की उल्का वर्षा होने जा रही है, लियोनिट्स करके सिंह की उल्का वर्षा जिसको कहते हैं, वो सबसे ब्राइट रहती है। वो उसके फायरबोल्ट्स भी दिखाई देते, वो भी चलेगी। मतलब ये गुजरात नया साल है, उसके अंदर शुरुआत में ही युति भी चली गई और ये उल्का वर्षा भी हो रही थी, तीनों उल्का वर्षा। और अगर आप शहर में रहते हैं दर्शक, तो कल पर अवर जो पीक्स डेट्स रहते हैं उसमें 5 से 10 उल्का देख सकते हैं टूटती हुई। उसके अलावा अगर आप देहातों में रहते हैं तो 50 तक उल्का देख सकते हैं, और एकदम डार्क स्काई में रहते हैं तो जंगलों में, घने जंगलों में, आप पावागढ़ के ऊपर रहते हैं माची के ऊपर, तो आप पर अवर 100 से 125 उल्का वर्षा भी यूनिट्स की देख सकते हैं। ये उल्का जो कॉमेट्स चलते हैं उसकी पूंछ से जो धूल चलती है उसको खींच करके पृथ्वी नीचे ले आते हैं ग्रेविटी के चलते, उसका जो फायर दिखते हैं वही उल्का है। ये उल्का वर्षा एक दो चीज़ों की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो जितने भी कॉमेट्स है वो कॉमेट्स चलते हैं वो उसकी बहुत बड़ी साबिती है कि कॉमेट्स सूर्य की प्रदक्षिणा करते अपने पीछे धूल छोड़ते चले जाते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी से वो खींच की चली आती है वो दिखाई देता है। साथ में उल्का मीटियोर शावर एक नेचर का इतना अद्भुत रोमांचकारी घटना है, अगर उसको हम साइंटिफिकली उसको प्रूव करते हैं जैसे हमारे होता है, तो हमारे आसमान के अंदर एटमोसफेयर उसके कलर्स को देख करके कौन कौन से गैस है यानी कि पोल्यूटेंट्स कितने हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से, वो आप नाप सकते हैं। तो ये क्लाइमेट के गैसेस को, मतलब एटमोसफेयर के गैसेस को नापने के लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, और कॉमेट्स की मूवमेंट्स को नापने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो मेन मेन इफेक्ट्स हैं, मगर ये ग्लोबल वार्मिंग को एक दर्शा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि उल्का के अगर स्टार्स जो गिरते हैं जो पीसीस, तो उसके जो फायर्स होते हैं उसकी जो अग्नि होती है वो अगर ब्लू कलर की है या फिर हरे रंग के या फिर रेड कलर के, उसके हिसाब से एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस 100 किलोमीटर ऊपर ज़्यादा है वो आप नाप सकते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, बाकी क्लाइमेट चेंज उससे नहीं होता है।